वेलकम गाइस, स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। 2 तारीख को मेरे साथ एक्सीडेंट हो गया, और जिसमें मेरा, ये आप देख रहे हैं, मेरा जो लेफ्ट हैंड है वो फ्रैक्चर कर गया। मतलब प्लेट डालना पड़ा है, और मैं रात को लगभग 11 बजे कुंदाग सेल सिटी में मेरा एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद मैं आ गया, रिम्स आया, और रिम्स ने फिर अपना वो एक्सरे करवाया। वहाँ देखा, उन्होंने बताया कि पता तो अभी नहीं चल रहा है कि कितना चोट लगा है या फ्रैक्चर है, क्योंकि तो वहाँ पे वो जूनियर डॉक्टर था, वो बोला सुबह आके ओपीडी में दिखाइएगा। मैं फिर मॉर्निंग में ओपीडी गया, तो वहाँ पे जाके दिखाया ओपीडी में, तो उन्होंने बताया कि नहीं, इसमें तो प्लेट डालना पड़ेगा। तो फिर मैं वापस एडमिट हो गया वहाँ। लेकिन फिर मेरे पापा मम्मी आए, और भी लोग, मेरा दोस्त था उदय, वो भी आया। उन्हें बोला कि यार यहाँ पे एडमिट मत हो यार, यहाँ पे जल्दी नहीं होगा। तो फिर मैं जोमेटो कर रहा था कुछ दिन पहले, तो उसकी आईडी थी मेरे पास, उसमें मेरा 1 लाख का इंश्योरेंस था। तो फिर मैंने जोमेटो वाले से बात किया, तो फिर वो इंश्योरेंस कवर किया मेरे को, और 1 लाख तक का वो इंश्योरेंस था। तो उसी में मैंने माराम प्यारी हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, और वहीं पे इलाज चल रहा मेरा। 3 तारीख को मेरा, नहीं, 4 को मेरा ऑपरेशन हुआ। मैं 12 बजे गया था ऑपरेशन रूम में, 3 बजे तक हुआ मेरा ऑपरेशन, और एक प्लेट डल गया है। आज है मेरा, आज 7 तारीख है, आज शायद मेरा छुट्टी होने वाला है। सुबह सुबह तो बहुत फीवर था, अभी तो लाइन चढ़ा है, तो जाके फीवर कम हुआ है मेरा। तो अभी थोड़ी देर में छुट्टी का प्रोसेस होता है, तो फिर मिलते हैं। वाइज डिस्चार्ज हो गया है, अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं घर के लिए। नीचे जा रहे हैं, धन्यवाद। क्या हो गया सिस्टर? ये लेना था? अच्छा, और कुछ करना है क्या? जा सकते हैं ना? चलिए ठीक है। ये गेट पास था, गेट पास उन्होंने ले लिया है। अब हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए। पेन तो अभी ठीक है, और मेडिसिन खरीदना है बाहर से। यहाँ पे मेडिसिन बहुत महंगा, बाप रे, गजब का महंगा। जो होलसेल में जो मेडिसिन 25 रुपये का आता है ना, यहाँ पे 475 रुपया उसका प्रिंट था। इंश्योरेंस के नाम में तो पैसा को पीट गया यार। 45,000 जोमेटो अप्रूव किया है, और 2,400 रुपया मेरे को देना पड़ा, हेलो। और 1,575 रुपया का डिस्काउंट दिया है। देख रहा हूँ, यही है राम प्यारी हॉस्पिटल। अब यहां से लेते हैं ऑटो रोड से, और निकलेंगे घर पर। दवाइयाँ लिखेंगे, चलना, दवाइयाँ ले लेवे, दवाइयाँ यहाँ ले भी, यहाँ काजी मिल ले। जितना भी ब्लड रिपोर्ट था वो सबका एक कॉपी दिया, और जो एक्सरे और सीटी स्कैन हुआ था वो सारा कॉपी वहीं पे रख लिया, वो इंश्योरेंस कंपनी को जाएगा। मैंने जो अपने पैसे से फर्स्ट टाइम जो एक्सरे करवाया था, वो वाला एक्सरे का कॉपी सिर्फ मेरे को मिला। और अभी मैं निकल रहा हूँ घर, बहुत मुसीबत में पड़ गया जाएगा। अब लगता है मेरे को कम से कम 2 महीना तो मेरे को बेड पे ही रहना पड़ेगा। तो बाइक चला नहीं पाऊंगा, तो कहीं जा नहीं पाऊंगा। आज मैं निकल रहा हूँ बैंडेज के लिए, क्योंकि
क्योंकि ड्रेसिंग करवाना है। ये अब देख रहे हैं ना, ये थोड़ा सा ढीला हो गया है और अंदर में इचिंग होना शुरू हो गया, क्योंकि वो पसीना से थोड़ा थोड़ा ना मेरे को इरिटेशन हो रहा है, तो उसकी वजह से मैं अभी जा रहा हूँ। रुमांशु को बुलाया, रुमांशु आ रहा है रास्ते में है, मेरे को पिक करेगा अभी और पिक करके चलेंगे हॉस्पिटल। हॉस्पिटल जाने के बाद वहाँ पे करवाते हैं ड्रेसिंग, और डॉक्टर साहब से ये भी पूछना है क्योंकि मेरा जो मेडिसिन है उनको सूट नहीं कर रहा है। उसमें दिक्कत ये हो रहा है कि मैं खाना खा रहा हूँ तो वो सही से पच नहीं रहा है, वो इरिटेशन पेट में, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे गर्म गर्म महसूस हो रहा है मेरे। मैं जाऊँगा अभी और उनसे दवा के लिए भी बात करूँगा, हो सकता है चेंज करना होगा तो कर लूँगा। चल पहले हॉस्पिटल चल। ड्रेसिंग मेरा हो चुका है और मेरे को जो बार बार फीवर आ रहा है इसके वजह से मेरा एक ब्लड टेस्ट लिखा गया है, वो भी मैं ब्लड टेस्ट के लिए ब्लड दे दिया हूँ। अभी मेरे को 1 घंटा वेट करना है ब्लड रिपोर्ट के लिए, जब तक जो डॉक्टर मेरे को ट्रीटमेंट दे रहे थे वो भी आ जाएंगे थोड़ी देर में, और उसके बाद वो भी मेरा रिपोर्ट को देखेंगे। उसके बाद मेरा शायद हो सकता है मेरा दवा चेंज किया जाए। मेरे साथ रोमांशु भी, रोमांशु अभी गया था घूमने गया, शायद बाथरूम वाथरूम गया है, वो भी अभी आने वाला है। ब्लड टेस्ट लिखा डॉक्टर ने, उसको भी मैंने करवा लिया, और उसके बाद मैंने डॉक्टर साहब से दिखवाया जिन्होंने मेरा ट्रीटमेंट शुरू से किया था। उनसे उन्होंने बताया कि ऐसे सब कुछ ठीक है, टेम्परेचर मेजरमेंट करके वो रखिए, 100 तक रहेगा तो फीवर नहीं माना जाता है, और उन्होंने 2 मेडिसिन चेंज कर दिया है। चलिए गाइस अब मैं निकलता हूँ यहाँ से, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू गाइस।